प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 27 सितंबर को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। ये उनके मासिक रेडियो कार्यक्रम की 69वीं कड़ी थी। अपने इस कड़ी में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी, किस्सा गोई की परंपरा जैसे कई चीजों पर बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों से जुड़ी समस्याओं और नए कानून से कैसे किसानों की जिंदगी बदलेगी, इस पर भी चर्चा की। पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी के नए कृषि बिल को लेकर देश भर में हंगामा मचा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किसान के अनुभवों को साझा करते हुए नए प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है, जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं, कैसे खेती में बदलाव आ रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों के अनुभवों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचने में बहुत दिक्कत आती थी। अगर वो मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचते थे तो कई बार उनके फल और सब्जी और गाड़ियां तक जब्त हो जाती थी। लेकिन साल 2014 में फल और सब्जियों को जब APMC एक्ट से बाहर कर दिया गया तो इसका उन्हें आसपास के साथी किसानों को बहुत फायदा हुआ। आज कंवर चौहान और उनके गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से 2.5 से 3 लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि इन किसानों के पास क्या अलग है। अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। साथियों, 3-4 साल पहले ही महाराष्ट्र में फल और सब्जियों को APMC के दायरे से बाहर कर दिया गया था। इस बदलाव ने कैसे महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति बदली, इसका उदाहरण है श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये किसानों का एक समूह है। पुणे और मुंबई में किसान साप्ताहिक बाजार खुद चला रहे हैं। इन बाजारों में लगभग 70 गांवों के 4,500 किसानों का उत्पाद सीधे बेचा जाता है। कोई बिचौलिया नहीं है। ग्रामीण युवा सीधे बाजार में खेती और बिक्री की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को होता है, गांव के नौजवानों को रोजगार में होता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट काल में भी कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया है। देश के किसान गांव जितना मजबूत होंगे, देश उतना आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की मजबूती से ही आत्मनिर्भर भारत की नींव बनेगी। किसान मजबूत होगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी अडिग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। आज किसानों को अपनी मर्जी से उपज बेचने की आज़ादी मिली है। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आज़ाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। इससे पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में किसानों से जुड़ी बातें देशवासियों के सामने रखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।